हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज़। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे राजमा, जिसे हमने रात भर भिगो के रखा था। ये हमने दो कटे हुए टमाटर लिए हैं, दो कटी हुई प्याज ली है और कुछ मसालों के पाउडर, जिसमें हमने हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च लिया है। साथ ही में हमने कुछ कलियां लहसुन की, अदरक, हरी मिर्च और कुछ साबुत गरम मसाला लिया है। इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो कुकर में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, तो तड़के के लिए हम साबुत गरम मसाला डाल देंगे, कटी हुई प्याज डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। प्याज हमारी हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम इसमें सभी मसालों के पाउडर डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें तैयार किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। तो 2 मिनट के लिए हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है, तो अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। स्वाद के अनुसार अब हम इसमें नमक डाल देंगे। दो मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे ताकि हमारा टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, ये टमाटर हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें राजमा डाल देंगे। राजमा डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम मसाले में राजमा को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ग्रेवी के अनुसार पानी डाल देंगे। एक चम्मच हम इसमें गरम मसाला का पाउडर डाल देंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा के हम इसे 25 से 30 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लेंगे। तो ये देखिए, ये राजमा हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे फ्राइड राइस के साथ, जीरा राइस के साथ या नॉर्मल राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सर्विंग बाउल में हमने राजमा को सर्व कर लिया है। अब गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता इस पे डाल देंगे। तो इस रेसिपी को बना के आप जरूर ट्राई करें। ऐसे ही ढेरों आसान रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को विजिट जरूर करें और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।